और दोस्तों कैसे हो? मुझे पता है तुम सब ठीक हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर दोस्तों आप लोग मोज लाइट प्लस ऐप यानी कि दोस्तों एमएस टकाटक ऐप यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग मोज पोकेटर प्रो के बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग मोज पोकेटर प्रो के बारे में जानते भी हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को फिलअप भी कर दिए हैं। बट दोस्तों आप लोग फॉर्म तो फिलअप कर दिए लेकिन दोस्तों अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा मतलब सवाल उठता होगा कि आखिरकार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अभी दोस्तों स्थिति ये है कि 10 में से दोस्तों मात्र 2 ही लोगों का सिलेक्शन हो पा रहा है, चूंकि दोस्तों वो 8 लोग जो है वो बहुत ज्यादा अपने प्रोफाइल पे गलती करके रखे हैं या फिर दोस्तों रेगुलर काम नहीं करते हैं या फिर मतलब कुछ ना कुछ तो गलती करके रखे हैं, जिसके कारण दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो रहा है, जिसके कारण दोस्तों आपका एमएफसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बट दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चूंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर आपके प्रोफाइल पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम या फिर दोस्तों वेल बिगिन इज हाफ डन या फिर दोस्तों वी विल कंसीडर योर अकाउंट 30 डेज आ रही है या फिर दोस्तों सबमिटेड डेट वाज इजी आ रही है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 100% इसका सोल्यूशन देने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों अब आपका कोई भी समस्या नहीं आने वाला है। अगर दोस्तों आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन तो एमएफसी में आसानी से हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, चूंकि दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग है, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम तो जान लो। दोस्तों मेरा नाम है रोबिन और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोबिन के टेक पेजेस। बस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि मोज लाइट प्लस एक शॉर्ट वीडियो ऐप है और यहाँ दोस्तों हम लोग शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आप दोस्तों मोज लाइट प्लस यानी कि दोस्तों एमएस टकाटक ऐप में वीडियो बना के पैसे भी कमा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मोज लेके आ गया है मोज क्रिएटर प्रोग्राम, जिससे दोस्तों आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमारा सिलेक्शन एमएफसी में होना चाहिए, यानी कि दोस्तों मोज क्रिएटर प्रोग्राम में होना चाहिए। और मोज क्रिएटर प्रोग्राम में हमारा सिलेक्शन तभी ना होगा जब दोस्तों मोज ऐप के सारे टर्म एंड कंडीशन को मानेंगे, जब दोस्तों हम मोज ऐप में किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे। बट दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि दोस्तों आज आपको 3 स्टेप बताने वाले हैं जिससे दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। आपको दोस्तों ना वी विल कंसीडर योर अकाउंट 30 डेज आएगा, ना ही दोस्तों आपको बेटर लक नेक्स्ट टाइम आएगा, और ना ही दोस्तों आपको सबमिटेड डेट वॉज इजी आएगा, और ना ही दोस्तों आपको वेल बिगिन इज हाफ डन आएगा। आपका दोस्तों सिलेक्शन 100% होगा और ये सबके जगह पे दोस्तों आपको वेलकम टू मोज का ऑप्शन आएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो क्या है दोस्तों वो प्रोसेस, सब कुछ आज के इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए। हाँ, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं जानकारी की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो आपको काम ये करना है कि अगर दोस्तों आपका पुराना प्रोफाइल था और उस प्रोफाइल पे दोस्तों अगर आप लोग दूसरे का वीडियो यानी कि दोस्तों किसी और का वीडियो डालते थे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं दूसरे का वीडियो डाल के मतलब व्यूज वगैरह छाप लूंगा, फॉलोवर वगैरह छाप लूंगा और कहीं ना कहीं दोस्तों किसी ऐप से पैसा कमाऊंगा। बट दोस्तों ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलत सोच है, क्योंकि दोस्तों आप दूसरे का वीडियो डाल के कभी भी किसी भी ऐप से पैसा नहीं कमा सकते हो, क्योंकि दोस्तों हर एक ऐप का एक रूल रहता है, वहां दोस्तों ओरिजिनल क्रिएटर को खोजा जाता है। अगर दोस्तों आप एक ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है तो आपको दोस्तों किसी भी ऐप से धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो है अपना स्किल को नहीं दिखाना चाहते हैं, दूसरे का स्किल को लेके आते हैं। बट दोस्तों दूसरे का स्किल पे आपको पैसा क्यों मिलेगा, ये आप दोस्तों ये सवाल आप खुद से पूछ के देखो एक बार, ठीक है? कोई भी ऐप बेवकूफ थोड़ी है, वो वीडियो बनाता है उसका पैसा उसको मिलता है, आप उसी का वीडियो फिर उठा के अपने प्रोफाइल में डाल रहे हो, भैया आपको क्यों मिलेगा? कोई भी ऐप बकलोल है क्या कि मतलब उसको पैसा दे ही रहा है आपको भी पैसा देगा? देखो दोस्त, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपको सिंपली तो सोचना है कि मेरे में स्किल क्या है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है वीडियो बनाना, अगर आपको पसंद है, आप में बहुत ज्यादा स्किल है किसी भी चीज का, वो चाहे एजुकेशन हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे डांस हो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। आप लोग जो नॉर्मली डे टू डे करते हैं वो भी दोस्तों आपका स्किल हो सकता है, वो भी दोस्तों आपका पैसन हो सकता है। बहुत लोग है कि दिन भर बिजी रहते हैं तो आप दिन भर ब्लॉग वीडियो बना सकते हैं ना, ठीक है? तो बहुत लोग जो है मतलब नहीं बिजी रहते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, डांसिंग लिपसिंग कुछ भी तो कर सकते हैं। भैया कुछ करो नहीं करो, लिपसिंग तो कर सकते हो भैया, लिपसिंग ट्राई करो ना, लिपसिंग कर सकते हो, सब लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे का वीडियो डालने का मतलब कोई बनता ही नहीं है, ठीक है? इसलिए दूसरे का वीडियो मत डालो, पहले सोचो कि मेरे में क्या स्किल है, अपने स्किल को देखो कि मेरे में क्या स्किल है। इसके बाद दोस्तों आप लोग सिंपली एक नया प्रोफाइल बना लो। जी हाँ, तो आपका जो पुराना प्रोफाइल था ना, अब उसको बोल दो बाय बाय। जो लोग अपने प्रोफाइल पे ओरिजिनल वीडियो भी डालते थे उसका भी बारे में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही लोग जो है मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख लो, ठीक है? इसलिए दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों एक नया प्रोफाइल बनाना है। नया प्रोफाइल बनाने के बाद दोस्तों सिंपली अपने प्रोफाइल को बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट करना है,
एडिट करने के बाद दोस्तों आपको अब क्या करना है कि आपको अपना कैटेगरी डिसाइड करना है कि मैं किस कैटेगरी में बेस्ट हूँ। दोस्तों अगर आप लोग अपना कैटेगरी डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप में वो स्किल नहीं है, आप दोस्तों मत बनाओ वीडियो, ठीक है। आपको सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कैटेगरी चुन लो। अगर सबको एजुकेशन में इंटरेस्ट हो तो एजुकेशन रिलेटेड वीडियो बनाओ। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर लिपसिंग करते हैं तो बहुत लोग के मन में सवाल होता है मैं लिपसिंग करता हूँ तो मैं क्या कैटेगरी चुनूँ। देखिए दोस्तों अगर आप लोग लिपसिंग करते हैं तो लिपसिंग में भी कैटेगरी होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग कॉमेडी में लिपसिंग करते होंगे, कोई सॉन्ग में लिपसिंग करते होंगे, तो किस टाइप के लिपसिंग करते हैं वही आपका कैटेगरी होगा, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों सबसे पहले ध्यान दो कि मेरा कैटेगरी क्या है, क्योंकि कैटेगरी दोस्तों आप लोग गलत चुनते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो मौज का टीम है वो आपको बोल देगा कि आपके प्रोफाइल पे नॉन ओरिजिनल वीडियो था, इसलिए आपका जो प्रोफाइल है वो रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए दोस्तों ये चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ये चीज को ध्यान नहीं देते हैं तो आपका प्रोफाइल दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं दोस्तों आपका सिलेक्शन एमएफसी में नहीं हो पाएगा। और जो मैं 10 में से 8 का बात कर रहा हूं उसमें से आप भी हैं अगर आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। बहुत लोग हैं कि मतलब वेट कर रहे हैं कि कब होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, बार बार अप्लाई कर रहे हैं उसी प्रोफाइल से। एक बार अगर दोस्तों आपका रिजेक्ट हो गया तो भैया आप समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन अब नहीं होने वाला है उस प्रोफाइल से। नया प्रोफाइल बनाओ और नया प्रोफाइल में अच्छे एक नए सिरे से काम करना शुरू करो, क्योंकि दोस्तों आपका फॉलोवर वगैरह फिर से आ सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि उसमें जो फॉलोवर था वो भी दोस्तों आप वो फॉलोवर तो दूसरे के बल पे लाए तो क्या ही फायदा है। अपने बल पे फॉलोवर लाओ ना, वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही आपका काम आएगा। लेकिन दोस्तों अगर दूसरे के वीडियो डाल के अगर आप लोग फॉलोवर लाते हैं तो वो कोई भी काम नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग सिंपली नए सिरे से काम करना शुरू करो। आज ही दोस्तों आप सबसे पहले एक नया प्रोफाइल बना लो। अगर दोस्तों आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो गया है तो नया प्रोफाइल बनाओ। नया प्रोफाइल बनाते सबसे पहले कैटेगरी चुनो। कैटेगरी चुनने के बाद दोस्तों सिंपली मौज का कैमरा यूज करो। ये दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर दोस्तों आप लोग मौज का कैमरा खोल के वीडियो नहीं रिकॉर्ड करते हैं, मौज का सॉन्ग यूज नहीं करते, बाहर का कोई सॉन्ग यूज करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और कहीं ना कहीं दोस्तों आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी लग जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको सिंपली मौज में जो सॉन्ग अवेलेबल है उसी सॉन्ग को यूज करना है, मौज का कैमरा यूज करना है, बाहर से दोस्तों आपको कोई भी क्लिप वगैरह नहीं डालना है। ये चीज का दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर दोस्तों सिर्फ आप इतना काम करते हैं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों 14 दिन के भीतर हो जाएगा, जैसा कि मोस्ट टीम दावा करता है, ठीक है। तो 14 दिन के भीतर ही आपका सिलेक्शन होता है। 14 दिन के भीतर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है मतलब दोस्तों आपके प्रोफाइल में बहुत ही ज्यादा गलती है, बहुत ही ज्यादा आप लोग गलती करके रखे हैं, इसलिए अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये चीज दोस्तों सुधार लो। दूसरा चीज ये है कि आप लोग दोस्तों ट्रेंडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते। देखो दोस्तों ट्रेंडिंग कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ट्रेंडिंग कॉन्टेस्ट में हम अगर एजुकेशन चैनल है तो कैसे उसमें पार्टिसिपेट करें। देखो अपने हिसाब से जो हैशटैग वहां पे आते हैं ना, तो अपने हिसाब से मतलब सोचो कि मुझे किस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। आप सोचो, बहुत सारा वीडियो देखो, आपको अपने समझ में आएगा कि मुझे किस तरह का वीडियो बनाना है। बस दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से वीडियो बनाओ, लेकिन जो बोला जाएगा उस हैशटैग पे उसको फॉलो करते हुए, ठीक है। इसके बाद जो हैशटैग मिलती है उसको भी आपको डालना है, बस पोस्ट करना है, सिंपल इतना ही तो काम है, और कुछ करना थोड़ी है। बस इतना काम दोस्तों अगर आप लोग करते हो तो आपका सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मोज का टीम जो है वो खुद बोलता है, आप दोस्तों अगर पर डे वीडियो अपलोड करते हो, पर डे एक वीडियो सिर्फ अपलोड करते हो मोज का कैमरा यूज करके, तो आपका प्रोफाइल भी दोस्तों ग्रो होगा, प्लस दोस्तों आपका सिलेक्शन भी एमएफसी में आसानी से हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जो भी मैं स्टेप को बता रहा हूं उस स्टेप को सिर्फ आप फॉलो करो, 100% दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। आपका किसी भी तरह का ऐसा नहीं है मतलब कि सिलेक्शन नहीं होगा। अब दोस्तों मैं उसके बारे में बात करता हूं जो लोग दोस्तों ये सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग वीडियो तो बनाते हैं, ओरिजिनल वीडियो भी बनाते हैं और ट्रेंडिंग कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन दोस्तों गलती ये करते हैं कि आप लोग अपना कैटेगरी सेलेक्ट नहीं कर पाए। जी दोस्तों, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग लिपसिंग भी करते हैं ना, तो लिपसिंग किस हिसाब से करते हैं मतलब किस कैटेगरी में आप लिपसिंग करते हैं वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। अगर दोस्तों आप लोग कॉमेडी वीडियो की लिपसिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको कॉमेडी वीडियो का ही लिपसिंग करना है और दोस्तों आपको कॉमेडी ही सेलेक्ट करना है, मतलब दोस्तों जो फनी कैटेगरी वही आपको सेलेक्ट करना है, दूसरा दोस्तों आपको सेलेक्ट नहीं करना है और ना ही दोस्तों आपको दूसरा कैटेगरी का वीडियो अपलोड करनी है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दो। बस आप लोग के लिए सिर्फ इतना ही था, आप लोग इतना सुधार कर लो। लेकिन अभी तक दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपको दोस्तों बेटर लग नेक्स्ट टाइम आ रहा है, सिंपली तो आप भी एक नया प्रोफाइल बना के उसमें काम करना शुरू कर दो, फिर से आपका सिलेक्शन तो आसानी से 14 दिन के भीतर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। बस इतना काम कर लो, क्योंकि दोस्तों आप सारा सीक्रेट मैं आपके सामने रख दिया हूं, जो भी है सब कुछ दोस्तों मैं आपके सामने खोल के रख दिया हूं, ठीक है। बस यही प्रोसेस है सिलेक्शन का। अगर आप लोग ये सब चीज को फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% मौज क्रिएटर प्रोग्राम में हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए। हाँ, अगर आपके मन में कोई से भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।